तो चार्ट को किस तरीके से हम यूजर फॉर्म पे शो करेंगे, ये हमारा आज का ट्रेनिंग है, टॉपिक की ट्रेनिंग का। तो पहले यहाँ पे नेम डाल देते हैं, नेम यहाँ पे नेम में आ गया, पुनीत वगैरह जो भी चीज़ें हैं लिख देते हैं, अब आ जाएगी। मेरे सॉफ्टवेयर चेंज हो गया ना, थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ऑटोमेटिक नहीं जाता है। ठीक है, तो क्वार्टर्स यहाँ पे आ गए, अब स्क्रीन आ रही नजर, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? अब जो जी स्क्रीन नजर आ गई, तो जैसे कि ये चार्ट आपके पास है, तो हमने क्या किया हुआ है कि मुझे इसको इस पे दिखाना है डैशबोर्ड पे, तो सॉरी इस पे चार्ट पे यूजर फॉर्म पे। तो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया, और यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, और ऑफसेट की मदद से हम जैसे करते थे, ऑफसेट की मदद से हमने इसमें से कॉमा किया, इसको उठा लिया एंड कॉमा, सॉरी इसको नहीं, इसको 0, 1, 1 नहीं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऊपर से हेडिंग आ जाएगा, और मैं इसको A13 को फ्रीज कर देता हूँ और नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ कि इसमें 2 सेलेक्ट करूँगा तो 2 की डेटा आएगा, 3 सेलेक्ट करूँगा 3 का, 4 करूँगा 4 का आया, इस तरह से डेटा चेंज होगा। उसके बाद मैं इस पर चार्ट बना लेता हूँ, कोई भी एक चार्ट डाल लेता हूँ, मैंने कॉलम चार्ट डाल दिया। ठीक है, अब इस चार्ट को मुझे इजो फॉर्म के जरिए प्रेजेंट करना है, तो चलिए करते हैं विजुअल बेसिक। इसमें एक इंसर्ट करते हैं हम यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म मतलब बड़ा करते हैं। इस पे यहाँ पे हम ऑप्शन बटन पे आते हैं, वाटर क्वार्टर 2, एंड क्वार्टर 3, एंड क्वार्टर 4, चार क्वार्टर्स हो गए। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब जैसे मैं प्ले करूँ तो इसमें क्वार्टर 1 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 2 पे करूँ 2, 3 पे करूँ 3, तो 4, 4। तो इसलिए कुछ नहीं करना, इस पे डबल क्लिक करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि इसमें रेंज कौन सा है, रेंज है A13, तो seat1.range इसमें मैंने बोल दिया A13.value इज इक्वल टू 1। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक, तो यहाँ पे ऑप्शन बटन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बटन 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। क्या 2 नहीं, नंबर डाल देगा यहाँ पे यार, देखो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, और इस पे क्लिक करूंगा तो 4 प्रिंट करूंगा। ठीक है, आया समझ में? जैसे इस पे क्लिक होगा, मान लो कि इसमें 1 पे क्लिक किया तो 1 पे क्लिक करते चार्ट 1 के अकॉर्डिंग हो गया, 2 पे क्लिक किया तो चार्ट 2 के अकॉर्डिंग हो गया। अब मुझे इस चार्ट को सीट के या सीट से यहां दिखाना है,
देखिए ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि चार्ट को एज हम इस पे दिखा सकते, लेकिन हाँ उसको पिक्चर में कन्वर्ट करके ला के हम इसको दिखा सकते। तो चलिए पिक्चर्स वार को, जो हमारा पिक्चर का वार है, उस पिक्चर वार को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। सबसे पहले एक लोकेशन चाहिए मुझे जहाँ पे फाइल ले सके, तो यहाँ मैं किया डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, और मैंने बोला कि मैं एक ड्राइव बना देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ई ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ। एक फोल्डर बना दिया पी के नाम से, और मैंने बोला कि एफ एन इक्वल टू स्लैश 1.jpg हमें डिफाइन कर दिया। और फिर यहाँ पे एक चीज और करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि सीट 1 डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में चार्ट का नाम, जो भी चार्ट का नाम है आपका चार्ट वन, ये चार्ट का नाम पता क्या चलेगा, चार्ट का नाम, इसे चार्ट पे क्लिक करोगे ना तो चार्ट का नाम दिखेगा यहाँ पे, चार्ट वन है, इसको कॉपी कर लीजिए, चार्ट डॉट डॉट चार्ट डॉट एक्सपोर्ट, और इसमें एफ है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ कि सीट मी डॉट इमेज 1 डॉट लोड पिक्चर, डॉट पिक्चर होगा, लोड पिक्चर, पिक्चर इक्वल टू लोड PIC पिक्चर, और ब्रैकेट में मैं दे दिया एफ एन को। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखता हूँ मैं, आ गया। अब मैं इसी कोड को रिपीट कर देता हूँ नीचे भी, हर किसी में। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ आपको। ये क्या करता है कि जैसे मैं वन पे क्लिक करता हूँ, तो चार्ट यहाँ पे वन पे क्लिक करते क्या होता है, सबसे पहले वन पे क्लिक करते क्या होता है कि यहाँ पे डेटा चेंज होता है, यहाँ पे वन चेंज होता है, वो यहाँ पे वन प्रिंट होता है। जैसे यहाँ पे वन प्रिंट होता है, यहाँ पे मेरा डेटा आ जाता है। जैसे डेटा आता है, मेरा पीछे का चार्ट जो है, चार्ट अपडेट हो जाता है। साथ में इस चार्ट को एज अ जेपीजी कहाँ डाल देता है, ई ड्राइव के इसमें, ठीक है, यहाँ पे डाल देता है। और फिर पिक्चर क्या करता है, यहाँ से उठा के यहाँ पे शो करता है। लेकिन पिक्चर छोटे या चार्ट छोटा दिख रहा है, बड़ा दिखे थोड़ा सा, पूरे फिट फूट बने, तो उस केस में क्या करेंगे, हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और फिर इसको कर देंगे पिक्चर साइज मोड को स्ट्रेच। अब देखते हैं एक बार प्ले करके। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो यहाँ पे चार्ट डॉट, यहाँ पे हमने कर रहे हो ना ये ई पी ड्राइव में ई लेके, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि क्या मतलब कि हर किसी में ई ड्राइव, तो ये तो हर किसी में नहीं चलेगा। मैंने आपको मेल किया तो आपको भी पहले तो ई ड्राइव बनाने होंगे, तो ई ड्राइव में पी लाना, या फिर यहाँ से चेंज करना पड़ेगा।
दो चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, या तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिए या फिर ड्राइव को बढ़ाइए। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, तो हर किसी को नहीं, मैं चाहता कि नहीं यार मैं पिक्चर कहीं दिखाई नहीं, ट्रैम पे आके टैम पे डाल दें और टेम्प्रोरी फोल्डर्स को हैंडल करें, टैम पे डाल। हाँ पूछिए। देखिए जो ये चार्ट है ना, चार्ट को एज ए इमेज के रूप में ये करता है और ये भेजता है, कैसे बताता हूँ। सीट वन और चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट ऑब्जेक्ट मतलब सीट वन का जो चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट हम जानते हैं कि सीट वन पे सेल्स एड्रेस के अलावा कुछ भी अगर हम ग्राफिकल रखते हैं वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट कौन सा चार्ट, अगर दो तीन चार्ट्स हैं तो उस पर कन्फ्यूज हो जाएगा सिस्टम, तो हमें चार्ट का नाम देना पड़ा। नाम कहाँ से पता चलता है, चार्ट पे क्लिक करते नेम बॉक्स में जाता है, फिर उसकी पूरी अब चार्ट उस सीरीज वन की, तो बहुत से जो चार्ट वन है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके एक्सिस है, उसका ये है क्या, तो हमने बोला पूरी की पूरी चार्ट, पूरी की पूरी चार्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करते हो तो मैंने को जेपी एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको पूछेगा लोकेशंस एंड फाइल एक्सटेंशन, तो मैंने बोल दिया ई ड्राइव में पी में जाके jpg1.jpg। नहीं, उसको एज ए जे पी जी हमने उसको डी पी इस लोकेशन में डाला यार, फॉर्म फॉर्म में तो हमने यहाँ पे लोड किया है। देखिए आपको अगर अपने सीट को, अपने डेटा फाइल को अगर एज ए जे पी जी या फिर चार्ट को एज ए जे पी जी आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट यूज करते हैं, या फिर आप एक आपकी पूरी पूरी फाइल को अगर क्या बोलते हैं एज ए पी डी एफ में करना है तो एक्सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा पी डी एफ मैंने बताया था आपको, मैं एक्सेल के ऊपर यूजर फॉर्म में कैसे लाओगे, यूजर फॉर्म में सीट डेटा शीट थोड़ी है। यूजर फॉर्म पे अगर चार्ट या कुछ ऐसी दिखाना है तो आपको लाना ही हो, ठीक है। यूजर फॉर्म पे आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। हेलो, हाँ तो आप उसके लिए, हाँ, तो उस केस में जो आपका यूजर फॉर्म आगे लगा हुआ है उसमें दो तीन पिक्चर बॉक्स डालोगे, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसको चार्ट से, अगर पहले सीट में जो दो तीन चार्ट बनाओगे तो दो तीन चार्ट का ये होगा ना, क्या बोलते हैं, चार्ट नेम अलग अलग होगा ना, उस अलग नेम से चार्ट से कॉल करोगे आप। हाँ ठीक है, समझ गए। अब इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि जैसे यहाँ पे मुझे ये करना है, तो एक कोड था मैं काफ़ी पहले यूज करता था कि एफ एन इक्वल टू ई एन वी आर ओ एन डॉलर, और इसके अंदर में हम डाल देते थे टेन, ठीक है, और इसके साथ हम कंबाइन करते थे ये स्लैश जे पी वन डॉट जे पी जी वन डॉट या जो भी नाम दे दीजिए, जे पी जी नहीं एन शोर आ रहा है किसी माइक से म्यूट कर लीजिए। सतबीर जी इनवा
वायर नहीं, ये नहीं चल रहा। एक ऐसी कुछ था, एक को कमांड था जो कि टेम्पलेरी फोल्डर का दिखाता था। एक मिनट मैं अभी बताता हूँ क्या कमांड था, मैं भूल स्पेलिंग भूल रहा हूँ। इसमें रहा, हाँ सॉरी मैंने गड़बड़ किया था, एन वायर ये मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, लिखा सही था। तो ये क्या करता है एन वायर बता दूं, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करता है कि जो एनवायर और इसमें हम टाइम डाल देते हैं तो एक टेम्पररी फोल्डर का पूरा पाथ बना के मुझे दे देता है।